Hello students, in this video I'll solve questions based on stoichiometry. Okay, so now जो assignment मैंने आपको दिया उसका ये question number 5 है. 27.6 grams of K2CO3, by using different reagents, by using different compounds, it is converted into this compound. Okay, so इसको हम लोग इसमें convert कर रहे हैं. एंड यहां पे जो भी reagent आप use कर रहे हो, रिएजेंट ऐसा है कि रिएजेंट्स ऐसे है कि जिसके अंदर देर इज नो कार्बन प्रेजेंट. सो नो कार्बन इज प्रेजेंट इन रिएजेंट्स व्हेन आई से नो कार्बन इज प्रेजेंट इन रिएजेंट्स, व्हाट डज दैट मीन? सो ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ये कार्बन दिख रहा है आपको? ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड है, K2 Zn3FeCN6 twice. Okay, so इसके अंदर अगर जो भी कार्बन है, रीएजेंट से कोई कार्बन आ नहीं रहा है, तो यहां पे जो भी कार्बन है वो यहीं से आ रहा होगा. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को अब आपको ये फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्ट का मास कितना होगा. नाउ ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो? आपको ना हमेशा एक कॉमन चीज देखनी है कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में कोई ऐसी कॉमन चीज है क्या. सी, रिएजेंट्स आपको पता नहीं, तो आप कोई बैलेंस रिएक्शन तो देख नहीं सकते. द ओनली हिंट दैट वी हैव इज नो कार्बन इज प्रेजेंट इन रिएजेंट, तो इसको यूज करेंगे ना हम लोग अब. सो वी नो दिस कि यहां पे फिर जो भी कार्बन है वो यहीं से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस कंपाउंड. सो ऑल यू हैव टू डू इज जितना कार्बन यहां पे प्रेजेंट है उतना ही कार्बन यहां पे प्रेजेंट होगा, बस आपको कार्बन को इक्वेट करना है. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इक्वेट द अमाउंट ऑफ कार्बन. ओके, अब देखते जाओ अच्छे से ये मैं कैसे करता हूं. ओके, सो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद दिस. नाउ K2CO3, व्हेन यू टॉक ऑफ K2CO3, ओके, K2CO3 हैज वन कार्बन एटम. ओके, नाउ मास ऑफ K2CO3 वी नो इट इज 138 amu. अच्छा, कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12, एंड एक ही कार्बन एटम है तो इट इज 12. सो वॉट आई नो इज 138 ग्राम्स ऑफ K2CO3 विल गिव हैज 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. समझ में आए ये? तो अगर जो आपके पास 27.6 ग्राम्स है यहां पे, तो इसके अंदर कार्बन कितना होगा? हाउ मच वुड बी द कार्बन ओवर हियर? नाउ इसके लिए आपको रेशियो देना होगा. सो 138 डिवाइडेड बाय 27.6, दिस इज इक्वल टू 12 बाय एक्स. सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, एक्स विल बी इक्वल टू 12 इंटू 27.6 डिवाइडेड बाय 138. अच्छा, अब आप देख रहे हो 138 टूज आर 276 होता है, सो ये 0.2 हो जाएगा, एंड 12 इंटू 0.2 इज 2.4. सो वॉट इट मीन्स इज 27.6 ग्राम्स ऑफ K2CO3 हैज 2.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन हमें मिल गया 2.4 ग्राम्स. अब अगर जो 2.4 ग्राम्स कार्बन आपका रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट के अंदर भी 2.4 ग्राम्स ही होना चाहिए. कार्बन का जो मास है दैट शुड बी इक्वल टू 2.4 ग्राम्स, क्योंकि कार्बन कहीं और से तो आ नहीं रहा. एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज कंप्लीटली, ये कार्बन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इंटू दिस कार्बन. सो अब हम लोग ये देखते हैं K2 Zn3 FeCN6 twice. Now this compound has how much carbon in it? 6 carbon atoms, and ये 2 है, मतलब this box, this is twice, ये 2 है ना यहां पे. So total carbon atoms would be 6 into 2, 12 carbon atoms. Okay, इसके अंदर देखो 2 potassium atoms है, 2 zinc atoms है, 2 into 1, 2 iron atoms है, 12 carbon atoms है, and 6 2s are 12, 12 nitrogen atoms है. ना हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है, दैट इज 698 है, तो ये कार्बन का वेट कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, सो 12 इंटू 12 दिस इज 144. सो व्हाट इट टेल्स यू इज 698 ग्राम्स हैज 144 ग्राम्स ऑफ कार्बन इन इट. बट हमारे पास, हमें पता है कि कार्बन कितना है, कार्बन इज ओनली 2.4 ग्राम्स.
सो इफ यू नो कार्बन हैज 2.4 ग्राम्स तो हाउ मच वुड दिस बी इक्वल टू, आपको इसी का मास फाइंड आउट करना है, तो वापस रेशियो देता है, सो वाई या 698 अपॉन वाई इज इक्वल टू 144 अपॉन 2.4। ओके ना, इसको आप कैसे देख सकते हो, से 24 सिक्सा 144 होता है, तो आप 24 आप ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, सो 698 अपॉन वाई 144 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 24, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 वन्स आर 24 सिक्स आर, सो आपका जो वाई आएगा दैट विल बी 698 अपॉन 6 इंटू 10, तो आपको वाई की वैल्यू कितनी आएगी, हाउ मच वुड बी द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 6 वन्स आर 6, 6 वन्स आर 6, 38 6 सिक्स आर 36, 116.3 बाय 10, सो वाई विल बी इक्वल टू 11.63 ग्राम्स। So, the mass of this compound produced would be equal to 11.63 grams. See, आपको chemical reaction ना भी पता हो तो भी आप ऐसे questions को हमने solve कर दिया ना। कैसे किया हमने? हमने ऐसे ही किया कि हमने जो mass of carbon है वो उन दोनों side को हमने equate कर दिया। We have equated the mass of carbon atoms on both sides. ठीक है? Okay. Now we will go on to the next question. Okay. क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फरस एंड अक्वियस सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, सो दैट इज H2PO4-, ओके, इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, ओके, अमोनियम इज NH4+, मैग्नीशियम इज Mg2+, अच्छा, टू प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, आपको ये कंपाउंड मिलता है Mg NH4 twice PO4.6H2O, दिस इज द कंपाउंड दैट यू गेट, दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू, आप इसको हीट कर रहे हो ये डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म Mg2P2O7, ओके, अब आपको ये दिया गया है कि ये H2PO4- जो है ना, ये H2PO4- नॉर्मली ये आपको मिलता है NaH2PO4 से, सो NaH2PO4 ये डिसोसिएट जब होता है तो इट फॉर्म्स Na+ आयन्स एंड H2PO4- आयन्स, ओके, सो दिस इज ऑन डिसोसिएशन इट प्रोड्यूसेस H2PO4- आयन्स, सो आपको ये जो भी मिल रहा है वो इसी कंपाउंड से मिल रहा है। अब आपको ये दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ H2PO4- यील्डेड 1.054 ग्राम्स, इट गेव यू 1.054 ग्राम्स, ओके, ऑफ Mg2P2O7, ओके, What weight of NaH2PO4 was present originally? So originally ये कितना present था वो आपको find out करना है। See again आपको यहाँ पे ना ही exact reactions पता है ना कुछ पता है, but आपको ये पता है first step में आप बस NH4+ और Mg+2 लेके आ रहे हो, correct? तो जब आप NH4+ और Mg+2 लेके आ रहे हो यहाँ पे कोई भी phosphorus नहीं लाया जा रहा है ना, there is no phosphorus over here, there is बिकॉज देर इज नो फॉस्फरस ओवर हियर, आई कैन से दैट यहां पे जितना फॉस्फरस है उतना ही फॉस्फरस यहां पे होगा। सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जितना कार्बन रिएक्टेंट साइड पे था उतना ही प्रोडक्ट साइड पे था, क्योंकि नो कार्बन वॉज प्रेजेंट इन रीएजेंट, उसी तरह से आई कैन से नो फॉस्फरस इज प्रेजेंट इन रीएजेंट, no phosphorus is present in reagent, and because no phosphorus is present in reagent over here, okay, so जितना phosphorus यहां पर उतना ही phosphorus यहां पर होगा, कोई extra phosphorus आ नहीं रहा, and जब आप इसको heat करते हो तो obviously you are again not adding phosphorus over here, so no phosphorus is added or subtracted,
सो विच मीन्स जितना फॉस्फरस वहां पे होगा इतना ही फॉस्फरस यहां पे भी होगा. सो आई कैन से ओरिजिनली जितना आपका फॉस्फरस था दैट एंटायर फॉस्फरस इज प्रेजेंट इन योर फाइनल कंपाउंड. सो आई कैन राइट फाइनल कंपाउंड हैज एंटायर फॉस्फरस which was present initially, which was present initially. Okay. So, because amount of phosphorus is same, जितना पहले था उतना ही finally है. तो अब जैसे हमने previous question में यही किया था, amount of carbon is same. यहां पर हम लोग कह रहे हैं amount of phosphorus is same. Okay. So, पहले तो ये निकालते कि हमारे पास कितना फॉस्फरस है फाइनली. सो Mg2P2O7 हैज टू फॉस्फरस इन इट. ओके, फॉस्फरस का एटॉमिक मास 30 होता है. मैग्नीशियम आप 31 दे दो, 31 या 30, 31 दिया हुआ है क्वेश्चन में. मैग्नीशियम का 24 दिया हुआ है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है. तो ये कितना हो जाएगा, 31 मैग्नीशियम 2, सो 48. लेट मी डू द कैलकुलेशंस ओवर हियर. 24 टू जा 48, 31 टू जा 62, 16 7 जा 112. तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, 110 प्लस 60 170 प्लस 40 210, फिर ये 220 एंड 222. चेक कर देना एक बार आपको ये 222 आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इट शुड बी 222. ओके, सो 222 हैज 2 इंटू 31 दैट इज 62. सो 222 ग्राम्स हैज 62 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस. अब हमारे पास 222 के जगह पे 1.054 ग्राम्स है, तो फॉस्फोरस कितना होगा, तो लेट मी कॉल दिस एज एक्स. सो अब इसका रेशियो देता है, so 222 upon 1.054 is equal to 62 by x. okay, so आपका जो x होगा that will be equal to 1.054 into 62 divided by 222. okay, now if you solve this आपको x आ जाएगा. ये मैंने calculator के through किया हुआ है, but ideally आप calculator use मत करना, ठीक है. So this is 0.29 grams. Okay. Now, so at least you know amount of phosphorus over here. अब जितना phosphorus यहां पे उतना ही phosphorus यहां पे भी होना चाहिए. Now, यहां पे जो भी phosphorus है वो इस compound से आ रहा है. And आपको इसी का mass find out करना है. You have to find out the mass of NaH2PO4. Okay. So अब हमें amount of phosphorus पता है. So let's solve this now. You have NaH2PO4. This has one phosphorus atom. अब sodium का atomic mass 23 होता है. Sodium is 23. So ये mass total कितना हो जाएगा? This will be 23 plus 2 plus phosphorus is 31 plus oxygen 16 4s are 64. So this would be equal to 3 plus 2 5 plus 1 6 plus 4 10 carry 1. This one 3 plus 2 5 plus 3 8 plus 6 14, 140, and phosphorus is 31. So 1 into 31 is 31. So 140 grams of this compound has 31 grams of phosphorus, correct? So if 140 grams of this compound has only 31 grams of phosphorus, हमारे पास phosphorus का amount पता है, that is 0.29 grams. This is amount of phosphorus. This is what we know. So how much would be NaH2PO4? So yeah, this will be equal to, let me call this as Y. Ab wapis ratio lo. So this is Y by 140. It is equal to 0.29 by 31. Okay, this upon this is equal to this upon this. So Y becomes equal to 0.29 upon 31 into 140. तो आपका ये जो आंसर है, दिस आंसर शुड बी क्लोज टू 130. मैं एक बार कैलकुलेट करता हूं, 0.29 डिवाइडेड बाय 31 इनटू 140. हाँ,
1.30 के आसपास ही आपका आंसर है, 1.31। अमाउंट ऑफ एन एच टू पी ओ फोर। ओके, सो यहां पे भी हमने क्या किया है, यहां पे हमने यही टेक्निक यूज की है, वी हैव कंसिडर्ड वन एलिमेंट, हमने वो इंश्योर किया है कि वो एलिमेंट आप सीरीज ऑफ रिएक्शन में ना ही उसको एड कर रहे हो ना ही आप उसको निकाल रहे हो। सो एंड वी हैव सेड कि द अमाउंट ऑफ दैट एलिमेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, सो जितना इनिशियली वो एलिमेंट प्रेजेंट है फाइनली भी ये उतना ही प्रेजेंट है, एंड उसी के बेसिस पे हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, द क्वेश्चन इज 4.77 ग्राम्स ऑफ NaCl इज एडेड टू 5.77 ग्राम्स ऑफ AgNO3। आपको ये फाइंड आउट करना है कि AgCl बनेगा वो कितना बनेगा, हाउ मच वुड AgCl बी फॉर्म्ड। When two reactants are given to you, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि पहले तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तो रिएक्शन ऐसा है NaCl प्लस AgNO3, ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपने अलग अलग टाइप के रिएक्शन पढ़े हैं ना 10th स्टैंडर्ड में, तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो दिस इज AgCl प्लस NaNO3 एंड ये AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट कलर्ड कंपाउंड होता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ दिस, करेक्ट। तो ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है। नाउ यहां पे आपको ये ग्राम्स में दे के रखा हुआ है, तो पहले तो दोनों के मोल्स फाइंड आउट करता है कि NaCl के कितने मोल्स हैं। सो वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास 4.77 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, ये होगा 58.5 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 4.77 डिवाइडेड बाय 58.5, सो दिस विल बी 0.08 मोल्स। वैसे AgNO3, AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सिल्वर इज 108 प्लस नाइट्रोजन इज 14 एंड 3 ऑक्सीजन है, 16 × 3 = 48, सो ये 170 ग्राम्स। सो मास इज 5.77 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 170, सो 5.77 डिवाइडेड बाय 170 यू विल गेट द आंसर एज 0.034 ये मोल्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्स। अब हाउ डू यू डिसाइड एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो हमने किया हुआ है ये पहले, आप मोल्स को किससे डिवाइड करते हो, स्टोइशोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करते हो, तो 0. स्टोइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, सो मोल्स आर 0.08, स्टोइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, सो दिस विल बी 0.08, यहां पे मोल्स आर 0.034, स्टोइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, सो दिस विल बी 0.034। ऑब्वियसली दिस इज अ स्मॉलर नंबर, तो आई कैन से AgNO3 बिकम्स अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एंड इफ इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, AgNO3 डिसाइड करेगा AgCl कितना बनेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ दिस, तो जितने इसके मोल्स है उतने ही इसके भी मोल्स है, तो अब इसके हमारे पास है 0.034 मोल्स, तो ये कितना बनेगा, द अमाउंट ऑफ दिस फॉर्म 1:1 का रेशियो है ना, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.034 मोल्स ऑफ AgCl आर फॉर्म्ड। सिर्फ 0.034 मोल्स आर फॉर्म्ड, सो आपको इसको मास में कन्वर्ट करना है, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.034, AgCl का मॉलिक्यूलर वेट, सिल्वर इज 108, Cl इज 35.5, तो ये होता है 143.5, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस तो आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.87 ग्राम्स। So 4.87 grams of AgCl is produced. So please remember this, when there are two reactants, okay,
एंड जब दो रिएक्टेंट्स के मासेस दिए गए हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा. ओके, आपको बस वो एंश्योर करना है कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो एंड देखो विच वन इज द स्मॉलर नंबर. द वन विच इज स्मॉलर विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट, दिस विल बी योर एक्सेस रिएजेंट. ठीक है, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Equal weights of phosphorus and oxygen are heated in a closed vessel. So, एक closed vessel है, इसके अंदर phosphorus and oxygen है and इनका जो mass है that is equal. Equal mass of phosphorus and oxygen is heated in a closed container. Okay. अच्छा, producing P2O3 and P2O5 in 1:1 mole ratio. See, हमें इनके masses नहीं पता, बस ये पता है मास ऑफ फॉस्फरस इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड जब आप फॉस्फरस एंड ऑक्सीजन को हीट करते हो तो आपको दो कंपाउंड मिलते हैं, वन इज P2O3 एंड सेकेंड वन इज P2O5. दिस इज गिवन टू यू एंड दे आर फॉर्म्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1 मोल रेशियो. ओके, ये मोल रेशियो है. तो आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको ये दिया हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट इज एग्जॉस्टेड. इज एग्जॉस्टेड, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है एंड जो एक्सेस रिएजेंट है व्हाट फ्रैक्शन इज रिमेनिंग. इज रिमेनिंग ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, ना ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? सी, एक तरीका यह है कि आप मान लो मास ऑफ फास्फोरस इज एक्स ग्राम्स, तो मास ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी इक्वल टू एक्स ग्राम्स एंड फिर इस तरह से इसको सॉल्व करते जाओ एंड यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, मतलब एक्स फाइंड आउट करोगे फिर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे. दूसरा तरीका है ना, जितने कम वेरिएबल्स लेके आ सकते हो उतने वेरिएबल्स कम रखो. सी, जो चीजें हैं उनको हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं. P2O3 एंड P2O5 ये 1:1 मोल रेशियो में है, तो आई कैन से मोल रेशियो 1:1 है तो मैं यही मानता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2O3 इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2O5 इज ऑल्सो 1. सी, हमें ये तो दिया हुआ नहीं है मास कितना था, कुछ दिया हुआ नहीं है ना, तो हम बस ये पता है मोल रेशियो, तो मैं सीधा यही मानता हूं इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है हमारे पास. ओके, नाउ इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2O3 इज 1, तो वॉट इज द वेट ऑफ P2O3 दैट वी विल हैव. सो पहले तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करता है, मॉलिक्यूलर वेट P2O3 का क्या होगा. 31 2s are 62, द 16 3s are 48, सो ये हो जाएगा 110 एंड P2O5 का मॉलिक्यूलर वेट 31 2s are 62, द 16 5s are 80, तो ये हो जाएगा 142. ओके, so mass of P2O3 that we have is, okay, it will be number of moles into molecular weight. Number of moles is 1, molecular weight of P2O3 is 110, so it will be 110 grams. ठीक है, now P2O3 का मास हमारे पास 110 grams है, तो उसके अंदर phosphorus कितना होगा? See, we know this P2O3 has 2 phosphorus in it. P2O3 का जो वेट है दैट इज 110, इट गिव्स यू 62 यूनिट्स ऑफ फॉस्फरस. तो अगर जो आपके पास P2O3 110 ग्राम्स है तो आपके पास जो फॉस्फरस होगा दैट विल बी 62 ग्राम्स. ये आया समझ में? एंड प्लस ऑक्सीजन कितना होगा? 110 में से 62 यहां पे चला गया, तो ऑक्सीजन जो बचेगा दैट इज 48 ग्राम्स. सो आई कैन से P2O3 का अगर जो आपको एक मोल, हमारे पास P2O3 के 110 ग्राम्स है, 110 ग्राम्स है, इसका मतलब फॉस्फरस जो होगा हमारे पास एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा, फॉस्फरस होगा 62 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन होगा 48 ग्राम्स. ओके, अब वैसे ही P2O5 बनाने के लिए, सो P2O3 बनाने के लिए 62 ग्राम्स फॉस्फोरस चाहिए, 48 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए. अब वैसे ही देखते हैं P2O5,
नाउ P2O5 का भी 1 मोल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 142 है, सो P2O5 का जो मास होगा दैट इज 142 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास इज 142, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, सो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 142 ग्राम्स. नाउ P2O5 हैज 2 फास्फोरस एटम्स, ओके 2 मतलब ये 62 ग्राम्स, प्लस ऑक्सीजन कितना होगा इसके अंदर, 142 माइनस 62 80 ग्राम्स. तो आई कैन से P2O5 अगर जो आपको बनाना हो तो आपको 62 ग्राम्स फॉस्फोरस चाहिए होगा एंड आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा 80 ग्राम्स. ओके सो इफ यू वॉन्ट टू मेक 1 मोल ऑफ P2O3 प्लस 1 मोल ऑफ P2O5, हाउ मच फॉस्फोरस वुड यू नीड, यू विल नीड 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस एंड यू विल नीड 48 प्लस 80 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये आया समझ में? टू प्रिपेयर, लेट मी राइट, टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ P2O3 एंड 1 मोल ऑफ P2O5 वी नीड 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फरस एंड 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट? अच्छा, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यू हैव इक्वल ग्राम्स ऑफ फॉस्फरस एंड ऑक्सीजन, इक्वल अमाउंट ऑफ फॉस्फरस एंड ऑक्सीजन, सो देर आर टू पॉसिबिलिटी, सो आई कैन राइट दिस, मैं ये याद रखूंगा, 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फरस रिएक्ट विद 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉस्फरस एंड ऑक्सीजन आर इक्वल इन अमाउंट, सो दिस इज फॉस्फरस, दिस इज ऑक्सीजन, बोथ आर इक्वल इन अमाउंट. इफ बोथ आर इक्वल इन अमाउंट, वॉट इट मीन्स इज आइदर दोनों जो होंगे वो हमारे पास 124 ग्राम्स होंगे, दिस इज ऑल्सो 124 ग्राम्स, दिस इज ऑल्सो 124 ग्राम्स, और दोनों 128 ग्राम्स होंगे, दिस विल बी 128 ग्राम्स, दिस विल बी 128 ग्राम्स. ओके, देर आर टू ऑप्शंस, टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दिस और दिस. नाउ पहले पॉसिबिलिटी के साथ क्या प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज आपको 1 मोल ऑफ P2O3 एंड 1 मोल ऑफ P2O5 बनाना हो तो यू नीड 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस जो है आपके पास एंड यू नीड 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट यू ओनली हैव 124 ना, तो ऑक्सीजन यहां पे दिस इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, 128 चाहिए था और हमारे पास बस 124 ग्राम्स ही प्रेजेंट है, तो 124 ग्राम्स ही प्रेजेंट है तो आपको 1 मोल ऑफ P2O3 एंड 1 मोल ऑफ P2O5 कैनॉट बी फॉर्म्ड. सो इफ यू हैव 124 ग्राम्स ऑफ फॉस्फरस एंड यू हैव 124 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन 1 मोल ऑफ P2O3 एंड P2O5 कैनॉट बी फॉर्म्ड. It cannot be formed. ठीक है, so that is not possible. अच्छा, अब अगर जो तो फिर दूसरी possibility क्या है, हमें पता है कि phosphorus and oxygen equal quantity में है, question में ही दिया हुआ है, तो दोनों शायद 128 grams होंगे. Now oxygen 128 grams है तो ये oxygen तो पूरा react कर जाएगा, correct? अच्छा, एंड फॉस्फरस का हमें 124 ग्राम्स ही चाहिए, बट यहां पे 128 ग्राम्स प्रेजेंट है, तो फॉस्फरस इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी ना, ये एक्सेस है, एंड ऑक्सीजन ये जो है दिस विल कंप्लीटली रिएक्ट, ये 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंप्लीटली रिएक्ट. Now if it completely reacts, we will have 1 mole of P2O3. We will get 1 mole of P2O3 and P2O5 is formed. समझ में आया आपको ये completely react कर जाएगा and if it completely 128 gram अगर जो react करता है तो हमें ये पता है कि 1 mole of P2O3 and 1 mole of P2O5 is formed.
नाउ 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें फास्फोरस कितना चाहिए रिएक्शन के लिए? आपको रिएक्शन के लिए बस चाहिए 124 ग्राम्स। आपके पास 128 ग्राम्स है ना, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा है? हाउ मच विल रिमेन? एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास? सो एक्स्ट्रा वुड बी 128 माइनस 124, 4 ग्राम्स इज एक्स्ट्रा। सो इन आर केस फॉस्फरस बिकम्स योर एक्सेस रिएजेंट, ऑक्सीजन जो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, एंड दिस इज योर एक्सेस रिएजेंट। ओके ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है, फाइन। एंड बस अब आपको ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन इज रिमेनिंग, तो फ्रैक्शन कितना बच रहा है उसके लिए बस आपको रेशियो देना है 4 डिवाइडेड बाय 128। ये रेशियो दे दोगे तो यू विल गेट परसेंटेज रिमेनिंग। सो अगर जो मुझे सॉल्व करना है तो लेट मी सॉल्व इट ओवर हियर। फ्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस रिमेनिंग is equal to amount remaining, that is 4 divided by initial amount, that is 128, अच्छा into 100। आपको percentage चाहिए तो you will get the answer as 3.125%, 3.125% of phosphorus is remaining, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, जो चीजें हम लोगों ने की है। ओके सो प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके नीट लेवल में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट इनका छोटा सा कुछ तो एक पार्ट पूछा जाएगा, मतलब ये इतना एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। दे वुड जस्ट आस्क यू कि अगर जो ये 1:1 रेशियो में रिएक्ट करे तो ये दोनों किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, तो 124:128 रेशियो, मतलब एक छोटा सा पार्ट पूछा जाएगा। जेई एडवांस्ड में ये इतने बड़े सम्स आते हैं। ओके ठीक है, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। ओके दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो देखो समझो वापस इनको प्रैक्टिस करके देखो कि खुद से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इज दिस फाइन? थैंक यू।